जी राजस्थान के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। दोपहर बाद उनके घर आने का कार्यक्रम है। कल ही पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर भारत लौटे हैं। उनका इंतजार हो रहा है उनके घर पर। उनकी पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, हर कोई बात जो रहा है कि वो जल्द से जल्द घर वापसी करें। सफेद लिबास, झुके हुए कंधे, माथे पर झुर्रियां, आंखों में उतरा खुशी का सैलाब, दिल में 36 साल के दर्द की सिहरन। इस तकलीफ के पीछे एक जालिम मुल्क का जुल्म छिपा है। सुनिए भारत के बेटे की दर्द भरी कहानी। मैं इसी मुल्क का बाशिंदा गजानंद शर्मा बोल रहा हूं। सुनो मुझे, मैं सुनाऊंगा जालिम पाकिस्तान की वो कहानी जिसने भारत के बेटे के सीने पर लिखी है जुल्म की कहानी, जिसे सुनकर रोती हैं आंखें। ठहर जा हवा, रुक धरती, सुनो मुल्क के नौजवान, सुनो नए, सुनो पुराने, सुनो मैं सुनाऊं आज 36 साल के दर्द की कहानी। मैं पाकिस्तान की जेल से रिहा हिंदुस्तानी गजानंद बोल रहा हूं। याद है मुझे वो शाम का वक्त जब पाकिस्तानी रेंजर्स ने मुझे पकड़ लिया था और मैं उनसे अपना गुनाह पूछ रहा था। कुछ दिन बाद मुझसे कहा गया कि कहो कि तुम जासूस हो, जिसे सफेद कागज पर मेरे इकबालिया बयान के तौर पर मेरे आंसुओं से लिखा गया था और फिर जेल की चौहद्दी में मुझे फेंक दिया गया, उकेर दिया गया मेरे माथे पर जासूस। मुझे याद है जब जेल की कोठरी में मेरे बेजान जिस्म को फेंका गया था, दागा था पाकिस्तान ने मेरे बदन का हर हिस्सा और छीन लिया था मुझसे जिंदगी जीने का हक। पाकिस्तान रोज मेरे जिस्म पर लिखता था जुल्म की रुदाद। मैं पुकारता हिंद की माटी को, मैं भेजता था हवा से सदा। मैं लाहौर की जेल में बंद हूं, जरा महसूस कीजिए मेरी तकलीफ को मेरे मुल्क के बाशिंदों। पाकिस्तान ने खत्म कर दिया मेरा वजूद, खत्म हो गया जीने का तसव्वुर। मेरी बीवी नहीं देख पाई मेरी जवानी, मैं नहीं दे पाया बच्चों को प्यार, मैं नहीं खिला पाया उन्हें गोद में, मैं नहीं घुमा पाया बच्चों को मेले, मैं नहीं दे पाया मखनी को प्यार, मैं नहीं ला पाया मखनी के लिए पायल, चूड़ी या सिंदूर। मैं मांगना चाहता था पाकिस्तान से, जमीनों आसमान से, मंदिरों गुरुद्वारे और अजान से, कोई लौटा दे मेरी जवानी, कोई वापस करे मेरी मखनी का खिलखिलाता हुआ वो चेहरा, कोई लौटा दे मेरे बच्चों का बचपन, कोई लौटा दे मेरी पोती की पायल की छलछल, कोई लौटाए मेरे कबूतर, मेरा कमरा, मेरा बिस्तर। मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान बारूदों की ढेर पर बना एक मुल्क का नाम है, पाकिस्तान हैवानियत का नाम है, जहां फसलों की नहीं जुल्म की खेती होती है। मैं उम्मीद करता हूं भारत सरकार जल्द ही पाकिस्तान की जेलों में कैद भारत के बेटों की जल्द रिहाई का रास्ता साफ कराएगी, जिन पर पाकिस्तान रोज जुल्म कर रहा है। मैं गजानंद शर्मा बोल रहा हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये उस तकलीफ की तफसील है जिसने एक पत्नी को न सुहागन बनने दिया न बेवा होने का गम दिया, लेकिन आज 36 साल का दर्द पल भर में गायब हो गया जब गजानंद घर लौट आए। पुरानी एल्बम के फटे फोटो पर टपकते आंसू, टूटी हुई आस, मरे हुए जज्बात, मोहब्बत के एहसास के दरमियां रोती 62 साल की मखनी देवी का दर्द सुनकर आंसू भी बिलख पड़ते हैं। जिंदगी के आधे हिस्से को मखनी देवी ने इंतजार की राह में काट दिया। हर घड़ी, हर लम्हा, हर पहर पति के इंतजार की आस में गुजरा। हर आहट ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन वो कभी नहीं आए जिसके इंतजार में आंखें बैठी थी।
सारी ख्वाहिशों के मर जाने के बाद इंतजार में बूढ़ी हुई मखनी देवी की आखिरी ख्वाहिश थी वो पति को देख सकें, उन्हें छू सकें। आज सुबह की हवा ने दरवाजे पर दस्तक दी, कहा, सुनो मखनी देवी, तुम्हारे पति गजानंद वापस आ गए हैं। मैं बहुत दिखी खुशी कर रही छू, भगवान की आरती कर रही छू, खुशी आ गई, बहुत खुशी मंदारी छू, भगवान का आगा आरती, सारो परिवार आरती कर रहा जा, सुबह सुबह भगवान की चरणा में बैठा जा। किसी ख्वाब के बाद खुली आंखें बेसाख्ता आंसुओं से भर गईं, रिसने लगी खुशी पलकों के कोर से। 36 साल बाद आज आंख से गिरे हैं खुशी के आंसू। 1982 का वो दौर था जब रोज की तरह गजानंद घर से निकले थे लेकिन वापस नहीं आए। हर गली हर शहर ने गजानंद को ढूंढा लेकिन गजानंद कहीं नहीं मिले। दिल के अजीब ख्यालों ने मखनी देवी को ना सुहागिन का सुख लेने दिया और ना ही बेवा होने का गम मनाने दिया। 36 साल बाद सरहद पार से एक चिट्ठी आई जिसने बताया गजानन शर्मा लाहौर की जेल में बंद हैं। लेकिन आज 36 साल का दर्द पल भर में दूर हो गया, आंखों से इंतजार का रास्ता खत्म हो गया और गजानंद घर आ गए। मुझे 1% की उम्मीद नहीं थी, यह तो एक चमत्कार ही हुआ है, एक अनपेक्षित विजय मिली है हमको। एक तरीके से आप लोगों के सहयोग से और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से, नेताओं के सहयोग से ये एक अनपेक्षित विजय मिली है हमको। इन बूढ़ी आंखों में खींची इंतजार की आखिरी लकीर को देखिए, पढ़िए, इस पर लिखा है गजानंद का नाम, झांकिए, मखनी देवी के माथे की झुर्रियों में इनमें छिपी है बेकरारी। आज खत्म हो गया इंतजार का सफर, गजानंद आ गए हैं घर। सजाया मखनी देवी ने घर की दरो दीवार को, किया है आज 16 सिंगार, झूम उठी है पायल, खिल उठा है सिंदूर, महसूस कीजिए शिद्दत को। दूर हो गए दो दिलों के फासले, खत्म हो गए आज किनारे। गजानंद, हिंदुस्तान आपका स्वागत करता है। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।